पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे इस प्रोग्राम को देखा और सुना जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। नाज़रीन, कहने की बात यह है कि पाकिस्तान को खुदा ने हर बरकत से नवाजा है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, हमारे पास दरिया भी हैं, हमारे पास समुंदर भी है, हमारे पास सहरा भी है, हमारे पास मौसम भी है, सारे तरह तरह के हमारे लिए फल हैं या सब्जियाँ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने वतन से प्यार तो सब करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हर कोई करता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा एक दूसरे से प्यार को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है और एक दूसरे का एहसास करने की ज़रूरत है तो हम इस अपने मुल्क को जो है दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क बना सकते हैं। जहाँ तक लाहौर का सवाल है तो नाज़रीन, ये छोटा सा शहर नहीं है, ये तारीखी शहर है। मुझे दोस्तों ने कहा कि भई आप लाहौर में हैं तो आप कुछ जहाँ की जगह दिखाएं, तो तकरीबन मेरे ख्याल है कि 300 से ज़ायद ऐसे मुकाम हैं कि जो कि मतलब इस जो जिनको देखा जाना चाहिए और देखा जा सकता है, उनकी अपनी एक तारीख है। तो इसके लिए तो अगर मैं रोज़ाना भी एक जगह पे जाऊँ तो मुझे पूरा साल लग जाएगा। नाज़रीन, कहने की बात यह है कि हमें जो है अपने वतन से प्यार करना है, अपने शहरों से प्यार करना है। यहाँ के लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं लाहौर के कि जी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, और जनाब लाहौर लाहौर है। ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर लाहौर है। से अभी तक निकले हैं और आज हम आपको जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत मॉल है यहाँ का लाहौर का, जैसे कराची में हमारे मॉल हैं इधर भी एक पैकेजेस मॉल है, आज आपको उधर की सैर कराएंगे। अभी आप साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो उसको लाइक कीजिएगा याद से, और उसको शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। अभी हम यहाँ मुड़ रहे हैं, यहाँ से कलमा चौक से होते हुए हम पैकेजेस बॉल जाएंगे। एंट्रेंस है इसका पैकेजेस मॉल का, और अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा बना हुआ है।
नाजरीन हाइपर स्टार है, इसमें जो है बहुत खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं यहाँ। ये हाइपर स्टार में क्या होता है, यहाँ हाइपर स्टार में क्या होता है? यहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह बहुत सारी है, फ्रेश बेकिंग है, और इस साइड से आपको कपड़े वगैरह मिल सकते हैं यहाँ से। ये सारी आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं यहाँ पे ना नमक पारे खाने आई हूँ। अच्छा, यहाँ नमक पारे मिलते हैं? अच्छा, तो अभी इसमें नमक पारे भर के लेके जाएंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है। पर स्टार के बारे में कुछ बताइए। कार्डबोर्ड जो है ना, वो फ्रांस की कंपनी है, उन्होंने ये जो हफ्ता जो दुबई के साथ मिल के उन्होंने हफ्ता बना दिया। बम धमाके की वजह से इनका नाम जो पहले था ना वो हफ्ता टल गया, अब ये दोबारा नाम फिर आ गया कार्डबोर्ड। तो ये क्या होता है, हाइपर स्टार के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मिल जाएगी, क्योंकि सुई से लेके पूरे गाड़ी गाड़ी तक नहीं होगी, मोटरसाइकिल गड्डिए हर शायद मिलेगी, एफ एम ई गोश्त मीट सब्जी फल फूल ग्रोसरी कपड़े जूता जो कहेंगे मिल जाएगी, सारी मिल जाएगी जो कहेंगे। तो ये जो गोश्त पड़ा हुआ है इसको प्रिजर्व कितने घंटे तक ये प्रिजर्व रहता है? ये सर ये जो गोश्त पड़ा हुआ है ना, ये 3 दिन की लाइफ होती है। 3 दिन तक है? अच्छा, ठीक है। 3 दिन के बाद फ्रीज ले जाए, फ्रीज कर ले तो फिर 1 साल वेरी बन जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। How often do you come here? Always. Always? Yes. Is it a good place to do the shopping? Yes, of course. I'm always doing shopping here. Do you like to do the language of the world? Yeah. Okay. You don't say yeah. Huh? Yeah. I don't want to go to a What is the favorite vegetable of Philippines? I think all kinds of vegetables they like, yeah. And do you like Pakistani dishes? Yes, I love. Like Nihari and all? Yeah, I love Pakistani food. ये नाज़रीन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्वेजियन सैल्मन फिश है। पर केजी जो है ये 9,999 की पर केजी है, ये आप देख रहे हैं। वो इसको प्रिजर्व किया हुआ है, इसमें बर्फ में रखा हुआ है। जा रहा हूँ फूड जहाँ फूड कहेंगे क्या फूड स्टॉल जहाँ है, तो अभी फिर खाना खाएंगे, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। नाज़रीन अभी ये खाने वाली जगह पे मैं पहुँच गया हूँ, अभी खाना खा लिया जी, और अभी मैं जो है घर जा रहा हूँ, और अभी यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, अभी आगे मेन एंड एग्जिट है, वहाँ से बाहर चले जाएँगे। और खुदा हाफिज़।